10 साल बाद जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो गया है और चुनाव 3 चरणों में होगा। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर, दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर को, जबकि तीसरे चरण का जो चुनाव है वो 1 अक्टूबर को होगा। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल ये है कि आखिर चुनाव से पहले किस राजनीतिक पार्टी की स्थिति कैसी है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा के चुनाव 2014 में हुए थे और ये सरकार 2018 तक चली थी। बाद में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद सरकार गिर गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद इस बार जम्मू कश्मीर में फिर से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया है और इसमें 7 नई सीटों को जोड़ा गया है। पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल 83 सीटें थी, जो अब बढ़कर 90 सीटें हो गई है। अब जम्मू में 43 जबकि कश्मीर में 47 सीटें हैं, जिनमें से 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें किस पार्टी का दबदबा रहा है। अगर हम बात इतिहास की करें तो 1951 से 2002 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस का ही दबदबा रहा था। हालांकि 2002 में पहली बार पीडीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद सरकार में आई। उस समय इन दोनों पार्टियों के बीच 3-3 साल के लिए जो मुख्यमंत्री का पद होता है उसका समझौता हुआ था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार तो चुनकर 5 साल के लिए आती है, तो फिर जम्मू कश्मीर में 3-3 साल के लिए मुख्यमंत्री कैसे रह सकते हैं। तो आप में से जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर में जो चुनी हुई सरकार होती थी वे 6 साल के लिए होती थी। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होते थे विधानसभा के वे 6 साल बाद होते थे। हालांकि एक खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में 1951 के बाद से अब तक लगभग 9 बार केंद्र शासित शासन लगाया गया है। बात आज की मौजूदा सरकार और देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की करे तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अपने कदम 2008 में फैलाने शुरू किए। साल 2014 के चुनाव की बात करें तो मुकाबला चौतरफा था। इस चुनाव में पीडीपी को 23.85% वोट मिले और उसको कुल 28 सीटें मिली और पीडीपी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि भाजपा को 26.23% वोट के साथ 25 सीटें मिली थी और भाजपा जम्मू कश्मीर के 2014 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें मिली थी। बाद में पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि जून 2018 में बीजेपी ने मतभेद के कारण महबूबा मुफ्ती की पार्टी यानी पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया और जम्मू कश्मीर की जो चुनी हुई सरकार थी उसको भंग कर दिया। हालांकि इस बार का चुनाव दिलचस्प जरूर होगा, क्योंकि एक ओर जहां बीजेपी को इस बार के लोकसभा चुनाव में उनकी मनचाही सीटें नहीं मिली, या यूं कहें कि जो उन्होंने 400 का नारा दिया था उसके मुताबिक उन्हें सीटें नहीं मिली, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी या यूं कहें कि राहुल गांधी की जो स्थिति है वो मजबूत हुई है और जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन बन सकता है। बहरहाल चुनाव में किसकी जीत होती है ये तो पता चल जाएगा। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।